दोस्तों एक पीवा है, एक पीवा के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। अगर बैटरी चेंज करना है, आपको सीपीआई चेंज करना है, आपको चार्जर चेंज करना है, आपको स्विच चेक करना है, आपको फ्लेशर चेक करना है, आपको कुछ भी चीज अगर चेक करना है और चेंज करना है, तो आपको अभी ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो मैकेनिक को मालूम ही है, हर मैकेनिक को। जैसे हमारे वीडियो कोई कस्टमर जो गाड़ी का मालिक है, अगर फर्स्ट टाइम खोलने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम, तो कैसे अपनी बैटरी को खोल के चेक कर सकते हैं, कैसे अपनी बैटरी को चार्जिंग करा सकते हैं खोल के। एक, दो, इधर एक और इधर एक, दो स्क्रू आता है। ये दोनों स्क्रू ओपन करने के बाद, किसी में चार मुंह का स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ रहता है, जिसे चार मुंह का, जिसको बोलते हम लोग चार मुंह को बोलते हैं, कोई स्टार बोलता है, इसमें ऐसे रहता है स्क्रू। और इसको ओपन करने के बाद फिर आगे आना पड़ेगा। ये देखिए आगे इधर रिवरा एक, अभी मैंने ओपन किया हूँ, इधर एक, ये दोनों चारों स्क्रू, दो इधर दो पीछे, ये ओपन करने के बाद आपको कवर तेजी से बाहर आ जाएगा। अभी मैंने कवर बाहर ले लिया हूँ। अब इसको ये 10 नंबर का पाना, 14 नंबर पाने आपके पास कभी खुद में रहता है, आप इसमें यूज कर सकते हो ये बैटरी को ओपन करने का। अभी मैं बैटरी को आपको ओपन कर बता रहा हूँ, और इसमें भी प्रॉब्लम बैटरी का डाउन होने का रीजन, जैसे बैटरी पूरा डाउन हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। अभी ये बोल्ट जब मैं खोल रहा था खुल गया हुआ है, ओपन कर दे रहा हूँ। अभी ये पट्टी है, पट्टी इसको ऐसे निकालने का, निकल गया, इसके ऊपर कवर आता है, ये कवर निकालने का बैटरी इसके अंदर रहता है। कोई भी गाड़ी में अगर बैटरी आप लगा रहे हो, अभी ये तो एक युवा है, कोई भी बाइक या कोई भी गाड़ी में आप देख लेना, अगर माइनस और प्लस रहता है, प्लस का मतलब रेड वायर, माइनस का मतलब ब्लैक वायर। ये अर्थिंग है, ये मेन है, आप इधर से इधर नहीं लगाना चाहिए, इधर से इधर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कोई उल्टा वायर लगाए तो आपका वायरिंग और आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान उड़ सकता है। ये आगे का कवर खोलने के बाद आपको क्या क्या चीज दिखेगा, ये स्टार्टर का रिले, ये इंडिकेटर का रिले, इधर सीडीआई है, और इसके नीचे बैटरी चार्ज करता हुआ है, ये फ्यूज है, ये होने, ये आगे का कवर ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर क्या चीज दिखेगा, कितना चीज आप चेंज कर सकते हो। अब इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट होता है, जो जरूरी काम होता है, जैसे हमारे पास घड़ी घड़ी कॉल आता है, बोलते सर बैटरी नया डालता हूँ, डिस्चार्ज हो जाता है, डाउन जिसको बोलते डाउन हो जाता है, अब बैटरी फिर नया डाल देता हूँ, फिर भी जो ना डाउन हो जाता है। अब इसका रीजन मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर, आप ध्यान से सुनिए। आपकी गाड़ी का बैटरी अगर खराब है, तो आपकी गाड़ी अगर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर आप चलाओगे, अगर खराब है तो नहीं चार्ज होगा, अच्छा है तो बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, और आपका जो चार्जर होता है परफेक्ट चार्जिंग भी होना चाहिए, तभी बैटरी आपकी चार्ज हो जाएंगी। एक खराब होने का रीजन बता रहा हूँ, बैटरी आपकी खराब रहेगी, आपका चार्जर अच्छा है तो आपकी बैटरी 100% चार्ज नहीं होगा, क्योंकि बैटरी खराब है, इसमें पावर पकड़ नहीं पाएगी, तो इसलिए आपको बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। अब दूसरा रीजन बताने जा रहा हूँ, जैसे आपकी बैटरी अच्छी है, आपने सब चीज चेक कर लिए,
तभी भी बैटरी आपकी उतर रही है। जैसे मान लो अभी यार रख के 2 दिन में बैटरी डाउन हो गई, तो इसका रीजन क्या होता है, आपका CDI खराब नहीं होता। CDI का काम खाली क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करना, गाड़ी को पिकअप देना और चाबी से बंद होना, खाली CDI का काम ये है। इससे सबसे जरूरी काम क्या रहता है, जो चार्जर होता है। कभी चार्जर क्या होता है, आप मीटर में चेक करते हो तो बराबर परसेंट चार्जिंग बताता है। आप सोचते हो कि जानने मीटर तो बराबर बता रहा है, तभी हमारी बैटरी क्यों डाउन हो रहा है, मैं चार्जर क्यों डालूं, मैं बैटरी चेंज कर देता हूं। आप क्या किए, बैटरी भी चेंज नया डाल दिए, कभी भी 2-4 दिन 1 हफ्ता चला बैटरी, बाद में वापस डाउन करना चालू हो गया। फिर आपने मीटर लगा चेक किए, चेक करने के बाद फिर भी आपको जो है चार्जिंग बराबर बता रहा है पर 14 वोल्टेज के आसपास, तो आप चार्जर के ऊपर डाउट नहीं करोगे। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका जो चार्जर होता है 100% चार्जर आपका खराब है। कि क्या हो रहा है, मीटर के ऊपर अगर चार्जर आप चेक कर रहे हो तो कभी क्या है बताता है, और कभी क्या होता है चाबी आपने बंद कर दी है तो ये जो करंट होता है चार्जर में जाता है, चार्जर जाने के बाद बॉडी में अर्थ होता है और कहीं से अर्थ नहीं होता है, उसके बाद में आस्ते आस्ते बैटरी को डाउन कर देता है। बैटरी उतरने का रीजन यही है, बैटरी खराब रहेंगी तो उतरेगा और चार्जर खराब रहेगा तभी भी उतरेगा। वहां पर रिपीट कर रहा हूँ, बैटरी आपकी अच्छी है, अगर बैटरी आपकी अच्छी है 2-3 से लेकर 5 किलोमीटर चलाओगे बैटरी आपका फुल चार्ज हो जाना चाहिए। फिर बाद में आप गाड़ी खड़ी किए 5-6 घंटा के बाद आप आज देखे फिर बैटरी उतर गई, तो इसमें बैटरी का प्रॉब्लम रहता है और चार्जर के अंदर भी प्रॉब्लम रहता है। पहले क्या करना चाहिए, आप बैटरी को इसको चेक कराओ, बैटरी परफेक्ट है तो उसके बाद में आपको चार्जर चेंज कर देना चाहिए, तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बैटरी का उतरने का रीजन, डाउन होने का रीजन आपका सॉल्व हो जाएगा।